पता नहीं एक ही मक्खी मेरे को बार बार क्यों परेशान की हुई है। दिस इज सिखा एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मेरे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं कर रही हूँ व्हाइट फूड चैलेंज वीडियो। तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे येलो फूड कलर का चैलेंजिंग वीडियो कर रखी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर यहाँ आई बटन में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पहन लिया है ताकि मेरे को याद रहे कि मेरे को कोई भी कलरफुल वाला फूड नहीं खाना है, सारा कुछ व्हाइट ही खाना है। एंड अचानक से मेरे दिमाग में प्लान बना कि मेरे को व्हाइट फूड चैलेंज करना चाहिए आज। एंड मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप और भी फूड चैलेंज करो, लेकिन मैक्सिमम कमेंट्स यही थे कि पिंक फूड चैलेंज करो। मैं वो वीडियो इस वीडियो के बाद पोस्ट करूंगी, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया है। एंड ये पता नहीं एक ही मक्खी मेरे को बार बार क्यों परेशान की हुई है। एंड मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, तो जो मेरे किचन में होगा ना, मैं उसी से सारा कुछ आज कंप्लीट करूंगी अपने इस चैलेंज को। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पास्ता। एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ मुझे लंच भी बनाना होता है अपने हस्बैंड के लिए, जो कि मैं बिल्कुल वाइट नहीं होगा, वो कलरफुल ही होगा। तो चलिए अब पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद मैं खाते टाइम आपसे मिलूंगी। एंड टाइम हो गया है 8:30, तो मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं पास्ता रेडी कर रही, बहुत ही आसान है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मुझे चीज़ वाला स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे व्हाइट सॉस मैंने रेडी कर लिए हैं एंड इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, ओनियन, स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबसे लास्ट में इसमें पास्ता मिक्स करके इसे एक प्लेट में फिर सर्व करेंगे। तो पास्ता मेरा बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं लेके बैठी हूँ पास्ता, तो फटाफट मैं पास्ता खाऊंगी। एंड आप लोगों में से किसको किसको पास्ता खाना पसंद है, वो भी व्हाइट सॉस वाला? मुझे तो खैर बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसमें मैं शिमला मिर्च छांट के खा रही हूँ। मैं इसलिए, आप लोग सोचते होंगे ना कि जब ये छाटना ही होता है तो फिर ये बनाती क्यों है या डालती क्यों है, तो ये सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ। तो सारा कुछ मैं मिक्स करूँगी, बट यहाँ पे मैं साइड करके इसे खाऊंगी। तो चलिए पास्ता खाना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं टाइम बताना भूल गई हूँ, टाइम हो रहा है 9:00 हुए हैं। मेरा पास्ता यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एंड आगे मैं क्या करूँगी, क्या खाऊंगी, मैंने कुछ कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है ये व्हाइट फूड के लिए, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ करूँगी घर के किचन से ही जुगाड़ करूँगी कि आज मुझे क्या क्या खाना है। तो आई नो सब कुछ मैनेज हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी बस घर के थोड़े से काम करूँगी एंड वीडियो एडिटिंग करना है, वो मैं करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 12 बज गया है एंड अभी मुझे थोड़ा बहुत क्या मीन्स कुछ खाने पीने का ऐसे ही मन कर रहा है। तो व्हाइट में मैं सोच रही हूँ या तो लस्सी बना लूँ या छाछ बना लूँ, बट मैं छाछ ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे छाछ पीना अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है बहुत। तो बस मैं वही अभी बनाऊंगी। एंड यहाँ पे मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी जो कि हो गया है मेरा ऑलमोस्ट। तो चलिए पहले किचन में चल के छाछ बना लेते हैं। एंड इसको भी मैं पीऊंगी और साथ में मैं एक वीडियो को एडिट करूंगी। तो बस ये दो काम मेरे को अभी करना है, उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं लंच भी करूंगी अपना। तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं की हूँ, राइस का तो फिक्स है, साथ में देखती हूँ कि मैं क्या लेती हूँ व्हाइट। एंड ये देख सकते हो आप, प्योर व्हाइट है।
तो चलिए अब इसे भी इंजॉय करते हैं। तो अब आपसे मैं मिलूंगी लंच टाइम में। तो राइस तो मेरा फिक्स है, उसके साथ आई थिंक मैं कर्ड लूंगी। तो पता नहीं कर्ड एंड राइस कैसा लगेगा, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में एंड अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अपना लंच। तो चलिए लंच निकाल लेते हैं। एंड साथ में है राइस। तो पता नहीं कर्ड एंड राइस का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, क्योंकि मैं ना मैक्सिमम टाइम बिरयानी एंड रायता मैंने खाया है और इस कर्ड में मैंने डाला है रायता का मसाला एंड नमक है साथ में। तो चलिए टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम राइस एंड कर्ड खा रही हूँ तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा लगेगा। इसमें मैंने जो रायता का मसाला डाला है उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है एंड मैं इसे आराम से खा सकती हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा फिर मेरे साथ। एंड मैंने राइस कुक करते समय भी इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। साथ में मेरा यहाँ पे वीडियो डाउनलोड हो रहा है, मैं वही बार बार देख रही हूँ कि ठीक से तो प्ले हो रहा है ना। एंड किसको कर्ड राइस इस तरह से खाना पसंद है भाई, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बस मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ खा सकते हैं। अच्छे से हेलो करते हैं। हेलो। और लंच हो गया? हाँ। इधर देख के बोलो, लंच हो गया? लंच हो गया। मम्मी क्या बनाई? मम्मी क्या बनाई? अरे तुम्हें बताना है मम्मी क्या बना के खिलाई तुम्हें। आप क्या खा के आए थे ये बताओ ना। बताओ। क्या खाया था आपने स्कूल से आके, पता ही नहीं है। क्या खा के आए हो? राइस और राजमा। अच्छा राइस राजमा खाया तुमने। देखो मैं तो वाइट खा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम के बाद मिला है शबुदाना खाने को, तो मैं सोच रही हूँ इसकी खीर मैं बनाऊँ। एंड 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे मुझे ये शबुदाना की खीर खाए हुए, तो आज मैं इसी को खाऊंगी। एंड मैं हमेशा फास्टिंग में इसे खाया करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज कोई नहीं, आज चैलेंज में मैं इसे खाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना आप देख सकते हो प्योर व्हाइट है एंड अब मैं इसे जल्दी जल्दी खा लूंगी। टाइम भी हो रहा है 7:30 हो रहा है, 7:30 अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। एंड इसमें मैंने थोड़े से वर्मिशीली को मिक्स किया है। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है आप देख सकते हो। एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा यार इडली अच्छा लगेगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन डिश पसंद भी है, तो मैं सोची चलो इडली एंड नारियल की चटनी बनाऊँ।
आप लोगों में से किसको किसको इडली खाना पसंद है प्लीज मुझे बताइएगा। टिकटॉक देखते देखते मैं अपना डिनर कंप्लीट करूंगी। यहाँ जो मैंने चटनी बनाया ना बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया है एंड मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी कुछ भी पसंद नहीं करती हूँ, तो थोड़ा तीखा सा लग रहा है। बट मुझे डिनर करते करते पानी पीने की आदत नहीं है, बाय चांस ही मैं कभी पानी पी लूँ साथ में। और हर बार की तरह मैं इस बार भी टाइम बताना भूल जाती हूँ। पता नहीं मुझे टाइम एंड डेट याद नहीं रहता है बिल्कुल भी। जब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हम लोग जा रहे होते थे तब उस टाइम टाइम का भी पता होता था एंड डेट भी हमें पता रहता था, बट अभी कहीं जाना होता नहीं है तो मैं हमेशा डेट मिस कर जाती हूँ। एंड टाइम जो हो रहा है वो अभी हो रहा है 9:30 और एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह अभी बैठ के मूवी देखूँगी, बट अभी कौन सी मूवी देखनी है ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और कल वीकेंड है तो छुट्टी रहेगा, अमित का भी छुट्टी है तो थोड़ा लेट उठना भी होगा हमारा। ऐसे जब ऑफिस जाना होता है तो थोड़ा मेरा जल्दी उठना होता है, बट कल आराम से लेट से भी उठूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अभी तो अच्छे से मेरा टमी फुल हो चुका है, मूवी देखते देखते अगर कुछ खाने का मन किया तो वो अलग बात है क्योंकि हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो आज मेरे पास वाइट में क्या होगा वो मैं देखूंगी, अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं है कि ये खाना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं इसके लिए आज के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी वाइट फूड चैलेंज के लिए, लेकिन अभी तक मैंने जो भी किया वो सारा कुछ अच्छे से हो गया मेरा। मीन्स मैं सोची भी नहीं थी कि क्या कैसे करूँगी, लेकिन अभी तक तो मैंने बहुत अच्छे से किया। एंड मतलब मेरे साथ क्या होता है ना कि जब भी मैं घर में रहती हूँ तो खाना तो डेली भी बनता है या मैं डेली ही खाती हूँ, बट जब कुछ चैलेंज के हिसाब से करूँ ना तब दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही होती है कि अच्छे से हो पाएगा ना, मैं कर लूँगी ना। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को काम को करना है, थोड़ा ना प्रेशर टाइप से बन जाता है मुझे करना है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय करते करते आज का ये चैलेंज को कंप्लीट किया है। अगर मैं आगे कुछ खाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे और आगे कुछ भी नहीं खाई भी तो फिर शायद इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया देखते देखते, और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा एंड किसको किसको इडली खाना पसंद है या साउथ इंडियन डिश पसंद है वो भी मुझे बताइएगा। एंड अभी बहुत बारिश भी हो रही है बाहर तो थोड़ा साउंड वाउंड आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगर मिलना हुआ थोड़ी देर के बाद तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको यहीं पे एंड करूँगी। एंड कोई हॉरर मूवी चल रही है, जब तक मैं गई थी तब तक मूवी स्टार्ट हो गई थी इसलिए मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। साउथ की कोई मूवी है जो हॉरर है तभी हम लोग हॉरर मूवी एंजॉय कर रहे हैं। एंड सोचो सोचो मुझे अभी खाने को क्या मिला होगा, तो पॉपकॉर्न मैं खा नहीं सकती क्योंकि पॉपकॉर्न अंदर से येलो कलर का होगा ऊपर से वाइट होगा तो वो चीटिंग हो जाएगी आई थिंक सो। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे को वाइट में कुछ मिल गया है तो मुझे मिला है मिल्की वार। एंड बहुत टाइम के बाद मैं इसे टेस्ट करूँगी, मैंने लाया था मैं इसको लेकर के आई थी किसी और चैलेंज के लिए, बट कोई नहीं मैं अभी भी इसे खा सकती हूँ। एंड अभी मैं और अमित मिल करके चॉकलेट खाएंगे। कोई चीटिंग नहीं की है, आज मैंने जो भी खाया वो सारा कुछ प्योर वाइट था ना कि ऑफ वाइट, इसीलिए और भी कुछ मुझे मिल रहा था बट ऑफ वाइट हो जाता वो, तो यहाँ पे जो चैलेंज है वो वाइट का है। तो आप देख सकते हो ये प्योर वाइट है एंड इसका टेस्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया इसे खाए हुए, तो चलिए ट्राई करती हूँ इसे। इसका जो टेस्ट है ना वो अमूल का जो मिल्क पाउडर आता है उसकी तरह है एंड मुझे अमूल का जो मिल्क पाउडर है उसको सूखा खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है। आप लोग को भी अमूल का मिल्क पाउडर खाना पसंद है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मीठा हो गया है, और अच्छा खासा मैं इडली खाई थी तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर वापस मैं जाके अभी मूवी देखूँगी, तो आई थिंक इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी। जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा बह रही है, एंड बारिश की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा कर गया है, गर्मी तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। और बस इसी तरह से मेरा ये चैलेंज जो है मैं अच्छे से कंप्लीट कर ली हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक किया या नहीं, अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे प्रेस कर दीजिएगा, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, एंड मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आप और भी कोई चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।